जय हिंद। वुमेन मिलिट्री पुलिस 2020 के एडमिट कार्ड आ गए हैं। किन लड़कियों को मिलेगा आगे जाके फिजिकल देने का मौका और किन को लगेगी निराशा, ये सब आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरा नाम जान ले, मैं हूँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गुरु मान और ये मेरा चैनल। इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इस एवरग्रीन डिफेंस में निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को दिया जाता है बिना किसी फीस के। वुमेन मिलिट्री पुलिस एडमिट कार्ड के बारे में बताऊं, उससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था लड़कियों की कट ऑफ को लेकर, जो बिल्कुल सही है। जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसकी पूरी जानकारी मैंने पहले दे दी, उस वीडियो को जरूर देखें। जय हिंद। फौज के अंदर पढ़े लिखे हाई परसेंटेज लड़की लड़कियों को मौका मिलना चाहिए, ऐसा आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता। जी हाँ, बात कर रहा हूँ, वुमेन पुलिस में लास्ट ईयर 86% कट ऑफ लगी थी और हाई परसेंटेज लड़कियों को फिजिकल के लिए चुना गया था। मैं चाहता हूँ हमें पढ़े लिखे ज़्यादा वतन पर मर मिटने वालों को भर्ती करना चाहिए। अगर आप कैंडिडेट चुन नहीं है तो थोड़ा लड़कियों के लिए फिजिकल टफ कर दो या कि और की टेस्ट कर दो, लेकिन मौका 50% 60% सभी लड़कियों को मिलना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत है या सहमत मेरे को पता नहीं। जय हिंद। यह कैंडिडेट कुमारी के ईमेल पर आया ज्वाइंट इंडियन आर्मी साइट से मैसेज है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एडमिट कार्ड के बारे में, यू हैव नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वुमेन मिलिट्री पुलिस एज योर एग्रीगेट परसेंटेज वाज बिलो द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ 85%, यानी कि 85% से कम होने के कारण आपका चयन फिजिकल के लिए नहीं किया जाएगा। जो मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि ये गलत है। मैं चाहता हूँ कि हर एक वुमेन को मौका मिले अपना चयन करवाने के लिए, फिजिकल देने के लिए। आप मेरी बात से सहमत है या नहीं सहमत, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।